हेलो दोस्तों, दिस इज असास इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अचीवमेंट, जिससे आपका ओवरऑल प्रोग्रेस पता चलता है, आप कैसा कर रहे हो इंस्टाग्राम पर। आपके इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल उस पर लेकर चलते हैं, इसे कर देते यहाँ से स्टार्ट। भाई इसके फ़ायदे क्या क्या है, मतलब किस तरीके से हम इसे कम्प्लीट करेंगे। बहुत सारे लोगों के इसमें अचीवमेंट आ रहा है और वो इसे कम्प्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ यहाँ से। बहुत दिन हो गया हमने अपडेट नहीं किया इंस्टाग्राम। और पहली बात तो आप इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली अपडेट पर रख देना, जिसके कारण क्या होगा, आपका इंस्टाग्राम अपने आप अपडेट होते जाएगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, वो देखिए हमारे इसमें अपडेट दिखाई दे रहा है। मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके इसमें ये अपडेट हो जाएंगे। 59 MB का है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर बाद में देख लेंगे। 18% हो गया है, 30%, 43%, ठीक है, हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर लेना अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको ये अकाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाना है। ये आपके इसमें अकाउंट होगी, ये अकाउंट अभी थोड़ा सा फ्रीज चल रहा है, जल्द से जल्दी अनफ्रीज हो जाएंगे। इसके पीछे का मैं रीज़न लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया हो, जैसे मैंने क्लिक किया हो यहाँ पर आपको देखिए सब चीज़ दिखाई दे रही है, पर अचीवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। अब ये अचीवमेंट आएगा कैसे, आपको वापस यहाँ पर आना है, 3 डॉट पर जाना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर जाना है। मैंने आपको हमेशा कहा है, अगर आपके इसमें कोई फीचर्स नहीं आ रहा है तो मेटा जो टीम रहती है, इंस्टाग्राम की जो टीम और फेसबुक की टीम हैंडल करती है मेटा, उसको क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं उनको। बस बताना पड़ेगा कि भाई हमारे इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक बार लुकआउट करते हैं, क्योंकि हज़ारों से ज़्यादा वहाँ पर स्टाफ काम करते हैं, वो आपको एक बार चेक करेंगे कि भाई आपके इसमें अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल रहेगा तब जाके क्या होगा, हेल्प, ठीक है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट आप अपने उसका लगा देना, इंक्लूड स्क्रीनशॉट लगा देना आप अपने अकाउंट्स का, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि अगर आपके इसमें अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो आपको दे देंगे, पर उन्हें बताना पड़ेगा। पर अगर नहीं है अवेलेबल तो अगर आपने मेल किए तो वक्त लगेगा, पर कभी ना कभी आपके इसमें वो मिल जाएगा, वो देखेंगे। अभी तो इनके लिए अवेलेबल नहीं है, जब हो जाएगा हम आपको इस बता देंगे। पर अगर है और नहीं दे रहे तो भाई उन्हें बताना ज़रूरी है। रिस्पेक्टेड इंस्टाग्राम टीम, एज यू नो न्यू फीचर्स इज डेट इज अचीवमेंट इज रोल आउट बट इज नाउ अवेलेबल इन माई अकाउंट, ठीक है, डेट इज अचीवमेंट इज आउट, जो कि नया अचीवमेंट है रोल आउट हो गया, बट इट्स नाउ अनअवेलेबल, ठीक है, अन लिख देना इसमें, अन AVAI अवेलेबल इन माई अकाउंट, सो आई एम अनेबल टू सी माई अचीवमेंट, मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण मैं ये अचीवमेंट देख नहीं पा रहा हूँ। और अगर मेरे लिए अवेलेबल रहेगा तो डेफिनेटली मुझे ये इनेबल कर देना। सो प्रोग्रेस, दैट्स वाई आई हैव डन इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, जो भी मैंने प्रोग्रेस किया है, ये जो पीरियड्स ऑफ टाइम चल रहा था तो उसके बीच में जो भी प्रोग्रेस है तो वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि भाई मुझे कितने ज़्यादा प्लेस मिले, कितने ज़्यादा मैंने कोलैबोरेटर्स किया है, मेरी स्टोरी पर कितने व्यूज़ है, उसके बारे में सब पता चल रहा है। सो प्लीज़ इनेबल माई अचीवमेंट सो आई कैन वर्क हार्ड टू रीच एवरी टारगेट गिवन टू मी। मेरे पास जो भी टारगेट दिया, जो भी टास्क आपने दिया है, तो वो डेफिनेटली मैं कंप्लीट कर सकूँ। उसके लिए मुझे भाई अचीवमेंट का फीचर्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ टेक अ लुक, एक बार देखिए मेरे अकाउंट की तरह, मेरा अचीवमेंट इनेबल कर दीजिए, जिसके कारण क्या कर सकता हूँ, मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। ये क्या करना है, आप करके डायरेक्टली सेंड कर देना है। सेंड कर देंगे तो उसके बाद आप चेक करोगे, बैक आओगे, यहाँ पर आओगे बैक, तो यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, फिर से की जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं फिर से की क्लिक करूँगा यहाँ पर देखूँगा तो देखिए आपके इसमें यहाँ पर अचीवमेंट फीचर्स आपके इसमें दिखाई देने लग जाएगा। तो ये जो मैंने मेल लिखा है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पर चले जाएंगे। वही एक जरिया है जहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आपको प्रोवाइड करवा देता, आप क्लिक करना, कॉपी कर लेना, पेश कर देना। अगर नहीं आ रहा है अचीवमेंट और अगर इनेबल है आपके इसमें और फीचर्स दिखाई नहीं दे रहा तो मेल ज़रूर कर देना। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अचीवमेंट आपके इसमें दिखाई दे रहा है, यू आर अचीवमेंट, अचीवमेंट टू, ये जो नीचे के है ये अभी तक हमें मिला नहीं है, ऊपर का जो हमें मिल चुका है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो रूल्स 27 अक्टूबर, टाइमिंग दिया रहेगा, रूल्स दिया रहेगा और कितने पे मिला है वो भी आपको दिया रहेगा। 125 रील्स हमने अभी तक डाल चुके हैं, तो 27 अक्टूबर को ये हमारा कंप्लीट हो गया था। स्टोरी रीच 1500 हमारे रीच गई है स्टोरी की, 27 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ। स्टोरी रीच 1000 पे गई थी, ये हमें 27 अक्टूबर को अचानक से 1500 भी उसी दिन हमारी चली गई थी। 23 सितंबर को 250 हार्ट्स हमें लाइक्स मिले थे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे योर पोस्ट रिसीव 250 लाइक्स, द नेक्स्ट अपडेट फॉर दिस अचीवमेंट विल बी 500 लाइक। एक आपको टारगेट दिया था 250, आपको लाइक्स मिल चुके हैं, अब दूसरा जो लाइक मिलेगा आपको 500 पे मिलेगा। इसी तरीके से आप रीच भी चेक कर सकते हैं, अभी जो स्टोरी रीच मिली 1500 पे मिला, जो दूसरा मिलेगा वो आपको 2000 पे मिलेगा। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ सकता है। प्लेस, अभी जो आपको मिला है 5 मिलियन प्लेस मिला है, व्यूज़ जो 5 मिलियन मतलब 50 लाख का है, दूसरा जो है वो 10 मिलियन पे मिलेगा। इसी तरीके से प्लेस तो हो गया आपके इसमें, ओके, नीचे में आएगा पोस्ट लाइक्स के बारे में भी है, कोलेबोरेशन
यू अर्न दिस अचीवमेंट बाय कोलैबोरेटिंग विद द समवन ऑन रील्स पोस्ट और स्टोरी। मैंने आपको पहले भी कहा कोलैबोरेशन करेंगे तब जाके आपकी रील्स तो वायरल होंगी, उसके साथ साथ आपके इसमें कोलैबोरेटर का ऑप्शन भी दिखाई देने लग जाएगा, मतलब भाई आपने ये अचीव कर चुके हैं। कम्युनिटी बिल्डर्स अर्न द अचीवमेंट बाय यूजिंग ए पोल स्लाइडर क्विक स्टिकर इन द स्टोरी और रील्स। रील्स पर मैंने हमेशा पोल्स इस्तेमाल किया, मैंने आपको बताया ना आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ पर नीचे में दिया रहता है आपका कौन सा फेवरेट कर रहा है, ब्लैक है या वाइट है, लोग उस पर क्लिक करते हैं। तो अगर आप वो पोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टिकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है सिर्फ रील्स में, आप स्टोरी पर भी कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। प्लेस है ट्रांसपोर्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको 8 सितंबर का दिखाई दे रहा है, यू एंड दिस अचीवमेंट यूजिंग ए ट्रेंडिंग ऑडियो का भी इस्तेमाल, और इन्होंने जो भी इस्तेमाल किया वो ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करके ही किया है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, प्लेस है, 5 के प्लेस मिल चुका है, 7.5 के प्लेस मिलेगा। यहाँ पर मैं बैक करूँगा तो यहाँ पर देखिए 150 रिच है, 150 वाले में भी कंप्लीट हो जाएगा। फॉलोवर्स 2 लाख, अभी इनके 15-20 हज़ार बचे हुए हैं, ठीक है, 2 लाख पे इनका भी कंप्लीट हो जाएगा। और स्टोरी 750 है, स्टोरी रीच है, पोस्ट लाइक प्लेस है, और ये है पोस्ट, 50 पोस्ट ये डाल देंगे तो डेफिनेटली ये भी इन्हें मिल चुका रहेगा। अगर मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर अगर रील्स पर जा रहा हूँ तो देखिए अभी इनके रील्स पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, पर एक रील्स है जिसमें 22 हज़ार आया है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए सैम, ठीक है, युगजा सैम, तो 39 है, और उन्होंने जिसके साथ किए थे अपनी आईडी के साथ किए थे, ठीक है, तो जिसके कारण दोनों का कोलेब्रेशन किए तो कोलेबरेटर इनके इसमें आ गया। इन्होंने ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल किया तो इनके इसमें डायरेक्टली ट्रांसपोर्टर, ठीक है, वो भी इनेबल हो चुका है, जिसके कारण ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करके आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको और भी चीज़ दिखाई दे रहा है, प्लेस कितने हारे क्या हारे है, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पर स्टोरी पर जाता हूँ, ये स्टोरी क्लिक किया हूँ, यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो देखिए 721 इनके इसमें लाइक्स व्यूज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देख भी सकते हैं, नॉन फॉलोअर्स तक भी जा रहे हैं, 6 नॉन फॉलोअर्स के भी इसमें चले गए। तो ये स्टोरी के लिए भी उन्हें क्या होता है, कितने ज़्यादा आपके इसमें लाइक्स व्यूज है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, ये भी है बिल्कुल। पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, इनकी आईडी जो है अभी ये फ्रीज पड़ी है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको शो भी कर रहा हूँ, 3 महीने की भी मैंने आपको कहा था, ये इसलिए हुए ये कंसिस्टेंट नहीं रहता, 1 महीने से ज़्यादा जब इन्होंने कहा 2-3 महीने तक वीडियोज़ नहीं बनाए तो भाई इनकी आईडी ये फ्रीज हो गई है। तो अगर ये डेली वीडियोज़ बनाते जाएंगे, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप एक बार बूस्ट कीजिए, और जो आईडी को बूस्ट कर रहे हैं उससे किसी के साथ कोलैबोरेटर कर दीजिए, ठीक है, कोलैबोरेशन कीजिए और बूस्ट कर दीजिए, तब जाके आपके इसमें अचानक से जो रीच आएंगे, एक बार अगर ये ग्रीन सिंबल ऊपर हो गया, क्योंकि इनका जो चल रहा है ये नब्बे दिन मतलब 3 महीने से इनका देखिए नीचे चल रहा है, एक बार अगर ये ऊपर हो गया तो डेफिनेटली भाई इनके आईडी अनफ्रीज हो जाएंगे, और वो जितने भी वीडियोज आएंगे हर वीडियोज पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, कभी भी आप आईडी पर वीडियोज़ डालते तो कंसिस्टेंट डालिए, कभी भी रुकना नहीं है, हमेशा वीडियोज़ डालते जाना है, वरना आईडी आपकी भी फ्रीज हो जाएंगी तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और आपके इसमें ये आया है या नहीं अचीवमेंट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना इनकी यहाँ पर रील्स पे भी व्यूज़ थोड़े से कम ही हो गए, 25,000 में से 3,000 नॉन फॉलोअर जा रहे हैं, 21 जा रहे हैं, जबकि नॉन फॉलोअर हमेशा ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। तो ज़रूर चेक कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं चेक ज़रूर करूँगा आपकी आईडी अगर दिख रहा है मुझे, ठीक है। नॉन फॉलोअर तक तो जा रही है, हो जाएंगे अनफ्रीज। वीडियो पसंद आया एक लाइक जरूर कर दीजिए, शुरू तो फ्रेंड्स का चैनल अजाज इंजीनियर बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।